अभी अगर हम एक नॉर्मल प्लास्टिक जेंट के साथ फाइट करा इसके, तो आई होप सो ये उसे आराम से हरा ही देगा। ओहो भाई, तुम लोगों को याद होगा हमने पिछली बार एक वैल्करी बनाया था जो कि हमने ग्लू गन के मदद से बनाया था, और ये ठीक से चला नहीं था क्योंकि पहली बार हमने इसका जो ग्लू था वो छोटा यूज किया था, जिससे कि ये बेबेट छोटा हुआ, जिसके कारण इसका बैलेंस बिगड़ गया। और दूसरी बात, हमारा स्टेडियम जो था गोल था, उसके दीवारों में लग रहा था ये, और फिर अपना स्पीड कते खत्म कर रहा था। तो इसके लिए हमने नया स्टेडियम बना लिया था जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इसका मोटा वाला वर्जन यूज करने वाले हैं, तो बड़ा वाला, और इसके लिए हम ये कैप यूज करने वाले हैं जो कि है ये नॉर्मल प्लास्टिक का ढक्कन। हमारे पास और भी बहुत तरह के प्लास्टिक के ढक्कन है, लेकिन ये सब तुमको नहीं मिल पाएंगे, तो ये सब तो तुमको मिलेगा नहीं, तो इससे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं। लेट्स गो। तो पहला हमें चाहिए मार्किंग वाला मोनोपॉली, अपने मन अनुसार ले लो। मेरा मन कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इनफ होगा, तो 3 सेंटीमीटर के हम 3 मार्क करेंगे। तो फाइनली 3 पीस हमने कट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सबका साइज सेम है, ऑलमोस्ट साइज सबका सेम है, चल जाएगा, चिंता न करो। एक मोमबत्ती जलाओ और लगा दे मेरे माथे पे। तुमको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक कि ये पूरा ठंडा ना हो जाए। तुमको एक बार साइड से देख लो। ओके नाइस। तो देखो सबसे आसानी होती है सोल्डिंग आयरन से इसे शेप देना, लेकिन हम इसे सोल्डिंग आयरन से शेप देंगे, कई लोगों के पास सोल्डिंग आयरन होता नहीं है, तो वो लोग कैसे करेंगे? उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहले तो एक मोमबत्ती जलाओ और लगा दे माथे पे, और फिर ऐसा कोई अगर लोहे का हिस्सा है, जैसे कि मेरे पास अभी एक स्क्रू ड्राइवर है, उसे तुम ऐसे कर सकते हो। ये देखो मोमबत्ती, उसके बीच में ऐसा, फिर तुम ऐसे घिसोगे, देखो यहाँ से धीरे धीरे पिघल रहा है, देख रहे हो ना? तो तुम ऐसे करके अलग अलग शेप दे सकते हो, बस उससे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो इसलिए हम सोल्डिंग आयरन का यूज करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो अभी इसके ऊपर लॉन्चर का जो थप्पा है वो बिठाना है। ओ भाई साहब, ये ढक्कन तो छोटा है यार, मेरा ये लॉन्चर फिट ही नहीं आएगा। अरे भाई साहब, इसके एकदम एज टू एज चला जा रहा है, जो जो छेद होता है ना जो सोल्डिंग आयरन से करना पड़ता है, वो तुम ऐसे स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके फिट भी कर सकते हो, और या तुम कटर से भी कर सकते हो। ओके, तो अब फिट हो रहा है। अबे हो जाना है, मर जाना है, हो तो गया है, लेकिन कुछ कर देंगे हम, वो चिंता ना करो। ओके, तो हमें इसे करना है भारी, क्योंकि जिससे चल सकेगा, पिछली बार इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था। तो हमारे पास है ये बियरिंग का बॉल, तो ये मैंने एक बॉल लिया, वही सॉकेट जिससे हम इसके नीचे लगाएंगे, जिससे कि ये स्टेमिना वे बनेगा। पहली मेन बात, हम इसके नीचे लगाएं क्या, क्योंकि इसके नीचे हम यहाँ पे फ्लैट सा प्लास्टिक लगाने वाले हैं। ओके, प्लास्टिक हमको मिल गया है, अब इसको यहाँ पे लगाना है, ये गिर रहा है, तुमको एक खटका चाहिए, तो खटके के लिए हम ये इस कॉइन का यूज करने वाले हैं। ओके, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे किसी तरह घिस घास के कर दिया है जुगाड़ कि हम यहाँ पे कॉइन को आराम से रख सकें। तो देखो फाइनली बना है ये उतना गुड लुकिंग है तुमको लग नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, और ये बहुत ही बढ़िया भी है। अब अगर तुमको ये काला काला जो धब्बे हैं वो हटाना है, तो तुम सैंड पेपर से घिस सकते हो, तुम ऐसे सैंड पेपर से घिसो, ऊपर का जो ग्लू है हट जाएगा, फिर तुम्हारा ये जो काला धब्बा है वो निकल जाएगा, लेकिन हमको काला धब्बे में ही बढ़िया लग रहा है। अब तुमको मैं एक हैंड स्पिन करके दिखाता हूँ, ये देखो हैंड स्पिन, बढ़िया टॉप नॉच, एकदम सुपर डुपर है भाई साहब। देखो हैंड स्पिन में कितनी देर तक चलता है, फिर लॉन्च तो हम बाद में करेंगे, देखा ना? अभी हम एक बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस लॉन्चर से चल रहा है, उस वाले लॉन्चर से नहीं चल रहा था। अब देखो, अरे फोर्स तो लगाने दो, बिना फोर्स के निकल जाओगे तुम। फोर्स नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ देख सकते हो ना, मैं तुमको फाइट दिखाता हूँ, रुको। व्हाट द हेक। तो भाई साहब, मेरे को एक बहन ने बोला कि इस इलास्टिक को टाइट करो, जितना टाइट उतना बढ़िया, तो मैं इसे जरा ज्यादा ही टाइट कर रहा हूँ। हाँ टाइट हुआ है, तो लॉन्च करने में मजा आ रहा है, अभी देखते हैं। ये एकदम घूम रहा है, अब हाँ अब लॉन्च हो रहा है बढ़िया से। अरे यार, ये प्लास्टिक जेंट के साथ फाइट ही नहीं करानी, देखो भाई ये फटके में निकल गया। ओके, तो काम करते हैं, इसके साथ मेटल सीरीज का फाइट कराते हैं। हाँ ये भारी है भाई साहब। तो ये है मेरा मेटल सीरीज का थोड़ा सा गुड लुकिंग वे, जो कि अटैक टाइप है, इसको लॉन्च करते हैं। ओके, अब इसके साथ इसे लॉन्च करते हैं। भाई साहब, इसमें फाइट में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, लिटरली
हाँ अब होंगे बात। ये बेब्लेड बढ़िया बना है, ऐसे बेब्लेड बढ़िया बनता है अगर स्टेडियम बढ़िया हो और तुम्हारा बेब्लेड का बैलेंस बढ़िया हो। ऐसे मेरे को और एक बनाना है और फिर हम दोनों मतलब दो बेब्लेड का एक साथ फाइट करेंगे, फिर आएगा असली वाला मजा। ओके तो हम इस बार एक रबर टाइप बे के साथ लॉन्च करते हैं, ये भी स्टेमिना टाइप है लेकिन रबर वाला, तो इसके साथ अभी एक फाइट कराते हैं। ओ भाई बढ़िया हुआ था, लेकिन क्या हुआ था पता नहीं चला। अब अगर हम एक नॉर्मल प्लास्टिक जिम के साथ फाइट करा इसके, तो आई होप सो ये उसे आराम से हरा ही देगा। ओ भाई मेरे को ये बेब्लेड लिटरली मस्त लगा, जो ये चल रहा है ना कहते चुम्मी से भी ऊपर। नाइस।